रुक 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 रुक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? सर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। अच्छा, तो बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हो तो रेड लाइट क्रॉस कर दोगे? अरे सर वो गलती से हो गया सर। नहीं नहीं, अब तो चालान कटेगा भाई साहब। अरे सर चालान क्यों काट रहे हैं सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे सर चालान कटेगा, नाम बताओ। अरे सर चालान छोड़िए सर, ये रखिए। क्या समझ रखा भाई तुमने? सर नाम नहीं बताओ। अरे सर ये रखिए ना सर। क्या लग रहा है तुम्हें? अरे सर बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा, खुश हो जाएंगे। ठीक है निकालो। डैड, सुनील अंकल का फोन आ रहा है। थैंक यू बेटा। हाँ सुनील, क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, वो PWD का कॉन्ट्रैक्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत? कैसी दिक्कत? अरे यार मिश्रा जी से मेरी बात हुई है टेंडर को लेके, तुम टेंशन ना लो। और हाँ, उनके घर कैश भिजवा दो, ये टेंडर हमको ही मिलेगा। और यार प्लीज़ छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कॉल मत किया करो। ओके सर, बाय बाय। हो गया, इसको चार्जिंग पे लगा दो। Arun, I have to get my license renewed, but can't skip my office meetings. Okay. RTO में मेरी एक जान पहचान का बंदा है, मैं उसको बोल देता हूँ, वो करवा देगा। You're asking me to bribe someone for license renewal? तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें मेरे तरीके से काम नहीं करवाना है तो तुम खुद जाओ, अपनी मीटिंग स्किप करो, देखो वहाँ जाकर क्या हाल है। देखो काम ऐसे ही होते हैं, थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ता है तब चीज़ें बनती हैं, समझी? हेलो युविका, तूने सिलेबस कंप्लीट कर लिया? कर भी लिया? यार मेरा तो अभी बहुत सारा रहता है। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, पढ़ना भी है ना। आप यहाँ क्या हुआ? Is everything all right? आपको पता है आज सेजल ने क्या किया है? क्या? इसने प्यून को ब्राइब करने की कोशिश की to give her the exam papers. सेजल, ये सब कहाँ से सीख रही हो बेटा? अरे क्या है? This is bad. Why this is bad, पापा? आप भी तो लोगों को पैसे देते हो और आपका काम इजीली हो जाता है। So I did the same. I don't know what she is up to at home. बट बच्चा जो आसपास देखता है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, राइट? आई एम रियली सॉरी बट वी हैव टू सस्पेंड सेजल फॉर फ्यू वीक्स। अरुण, नाउ यू रियलाइज तुम्हारी गलतियों की वजह से आज हमारी बेटी ने भी वही किया जो तुम करते आ रहे हो। मिस अलका, आई एम वेरी सॉरी। दिस इज नॉट सेजल्स फॉल्ट, इट्स बिकॉज ऑफ मी। शायद मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने और अपना टाइम बचाने के चक्कर में हर चीज़ को पैसों से खरीदने की कोशिश करने लगा। आई लॉस्ट माई मॉरल्स। शायद उसी का नतीजा है आज सेजल ने ऐसा कदम उठाया। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी बुरा काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर असर करता है। मैं एक बुरा बाप हूँ और शायद एक बुरा सिटीज़न भी है, पर आज के बाद आई प्रॉमिस कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा और ना ही कोई ऐसा इलीगल काम करूंगा जिससे कि मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़े। सेजल प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज। मैम आई एम रियली सॉरी। मैम आज के बाद से मैं ना चीटिंग करूंगी और मैं किसी को ब्राइब भी नहीं करूंगी। गुड।